हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। आई होप यू ऑल आर गुड। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करें हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ 6.1 एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, ये वर्ड आप सभी बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है। डेरिवेटिव हमने क्लास 11th में पढ़ना शुरू किया था, और अभी जो हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड था, कि कैसे आप जो हमारे पांच पांच फंक्शन होते हैं, आई एल ए टी ई आई लेट, ये पांच फंक्शन थे। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट और भी थे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इन सब का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज अब हम अपने दिमाग में बिल्कुल रट चुके हैं। तो कैसे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, कैसे फॉर्मूला याद रखना है, वो हमने यहां पे सीखा, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इन डेरिवेटिव्स का रियल लाइफ में यूज क्या है, कहाँ हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, साइंस फील्ड हो गया, सोशल साइंस हो गया, या अदर फील्ड्स, इन सब का रियल लाइफ में क्या यूज है। हम एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन करके हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक सर्कल का अगर आपको रेडियस गिवन है ना, ये जैसे ये कोई भी एक सर्कल है, इसका आपको रेडियस गिवन है, तो आप यहाँ पे इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, आप इस सर्कल का यहां पर सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, आपके पास फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास किसी भी सर्कल का एरिया सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम हमारे पास जब हमने इतने सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखा, तो उनका रियल लाइफ में क्या यूज है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। तो टोटल पांच एक्सरसाइज है, पांच एक्सरसाइज, उसके बाद मिसलेनियस है। तो पांच एक्सरसाइज में हम अलग अलग इस डिफरेंशिएशन dy/dx का हम यहां पर यूज करके देखेंगे कि हम यहां पर इस फॉर्मूले से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो 6.1 में हम पढ़ने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मतलब इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि एक क्वांटिटी में अगर आप यहां पे चेंज कर रहे हो, तो उससे जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उस क्वांटिटी में भी चेंज होगा। जैसे ये आपका रेडियस है, रेडियस के ऊपर क्या डिपेंड है, एरिया डिपेंड है। जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाओगे तो यहाँ पे सर्कल का एरिया भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसा जैसे रेडियस को कम करोगे वैसे वैसे सर्कल का एरिया भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसी तरह की क्वांटिटीज के बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहले लिख लें, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, देखो अभी चैप्टर 5 में हमने मेनली क्या पढ़ा था, dy अपॉन क्या पढ़ा था, dx पढ़ा था, है ना। कोई भी फंक्शन है, जैसे कोई हमें fx इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे आपको fx को हम y के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो लाइक कि ये हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, x आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आपका x अगर यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो x इंडिपेंडेंट है, रियल नंबर में से कोई भी नंबर लेकर के उठा करके अपने पास यहाँ पे रख लेगा। तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू रखेगा तो चेंज किस में होगा, y में चेंज होगा। तो y यहां पर क्या हो गया, x पर डिपेंड हो गया, और x यहां पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये आपका यहां पे जो ऊपर होता है वो आपका यहां पर क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, और नीचे आपका क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो हमेशा जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो dy/dx तो सबने रटा हुआ, लेकिन अगर यही रेडियस और एरिया में कहे तो आपको पता ही नहीं कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। तो ये चीज यहां पर समझने की है ना। तो ऊपर आपका यहां पर क्या आता है, ऊपर आपका आता है जो डिपेंड होता है, नीचे कौन आता है, जो इंडिपेंडेंट यहां पे होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप समझ लेना, कि जो इंडिपेंडेंट होता है वो नीचे आता है, जो डिपेंडेंट होता है वो ऊपर आता है। क्योंकि अब हर जगह हमारे y x नहीं आएंगे, कहीं पे आपका v आएगा, कहीं पे वॉल्यूम आएगा, कहीं पे एरिया आएगा, कहीं पे टाइम आएगा। तो बस ये चीज आप यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। तो ओके, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है और y यहाँ पर डिपेंडेंट होता है, दोनों में ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें चेंज होगा तब y में यहाँ पर चेंज होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि जिसमें y x ना आए। जैसे ये हमारी एक रोड है, इस पे एक यहाँ पे कार चल रही है ना, कार चल रही है, अभी कार रुकी हुई है, तो टाइम आपका जीरो है। तो जैसे जैसे टाइम आपका यहाँ पर बढ़ेगा वैसे वैसे इस कार की स्पीड भी बढ़ेगी, और यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी और क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ती जाएगी और इसकी डिस्टेंस बढ़ी है। पहले 2 किलोमीटर चली, फिर 4 चली, फिर 5 चली, तो इसकी डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो किसके बढ़ने पर ये दोनों चेंज हो रहे हैं, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और इसकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो मेनली हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसके चेंज होने पर ये चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको ds अपॉन क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और ये आपका यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट ऊपर आता है, इंडिपेंडेंट आपका नीचे आता है ना। तो चेंज इसको कैसे पढ़ेंगे, रेट
ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखो। तो ये और एग्जाम्पल लिया कि जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा यहाँ पे क्या बढ़ता जाएगा, इस सर्कल का एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो कौन बढ़ने पे बढ़ेगा, तो हम रेडियस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो रेडियस बढ़ने पर इसका एरिया बढ़ता जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन डी आर लिखेंगे, डी आर अपॉन डी ए लिखेंगे। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट है, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो ये इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिपेंड रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ए अपॉन क्या आएगा, डी आर आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम इस तरह से हमारा डेरिवेटिव लिख देंगे। तो आप या तो आप समझ गए कि एक के रेस्पेक्ट में अगर दूसरा चेंज हो रहा है तो आप उसको किस तरह से देखोगे। अब इसके अंदर हमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, एक सिंपल आपको इस तरह से कह देंगे कि भाई कितना चेंज हो रहा है वो आप यहाँ पे निकालो। और देखो अगर जैसे आपको यहाँ पे कहें, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ना आपको, यहाँ देखो कि जैसे ये एक हमारी ट्रेन है, हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा, मतलब एक ही स्पीड के ऊपर अगर आपकी कोई ट्रेन चल रही है ना, ये 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, और 30 किलोमीटर इसने यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो स्पीड बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देखो ये एक हमारी ट्रेन है जो कि हमारी यहाँ पे 30 किलोमीटर क्या कर चुकी है, चल चुकी है, 30 मीटर या 30 किलोमीटर पर आर यहाँ पे चल चुकी है ना। और 30 किलोमीटर पर आर चलने के अंदर इस ट्रेन ने टोटल यहाँ पे 90 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। ये इसकी स्पीड है और ये इसकी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। तो आप बता सकते हो कितना टाइम लगा होगा उसको ये डिस्टेंस कवर करने में। तो मेरे पास फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला है। तो 90 अपॉन 30 यानी कि यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, यानी 3 आर इसको यहाँ पर लगे हैं, है ना। तो ये तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो गई कि ये ट्रेन जब भी चल रही है वो एक ही स्पीड से चल रही है ना, कभी भी ना 30 से 50 हुई है ना ये 30 से कम हुई है ना। बट रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता है ना, ट्रेन कभी आपकी यहाँ पे 30 की स्पीड से चलेगी, फिर अगर आपको आगे ट्रैफिक नहीं होगा या स्ट्रेट में चलना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, तो ये अपनी 60 भी कर लेगी, और अगर स्पीड में चलना है तो ये 100 भी कर लेगी ना। तो हमेशा एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से कभी कोई ट्रेन नहीं चलती है, कहीं कहीं स्टॉपेज आएगा तो अपनी उसको अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आर भी इस तरह से स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते ना। तो हमें ये कि टाइम के चेंज होने पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है, यहाँ स्पीड और डिस्टेंस में, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है वो हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें देखना है तो कि वहां पे उसकी कितना टाइम उसको लगा होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम ये वाले फॉर्मूलाज यहाँ पे लेते हैं। तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फर्स्ट तो आपको सिंपल यहाँ पे कहेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपके टाइम के रेस्पेक्ट में ही आएंगे। तो ये देखो रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वॉल्यूम का हो गया, एक्स कोई भी आपको यहाँ पे क्वांटिटी दे दी, वाई कोई भी क्वांटिटी दी, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है ना, डी पी अपॉन डी टी कोई भी, अगर आपको सिंपल टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो इस तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी देंगे कि नहीं आप एक्स इक्वल टू 10 पे कितना आएगा, कितना चेंज हुआ है, तो हमें यहाँ पे वो पॉइंट लात में डिफ्रेंशिएट करके उस एक्स की जगह पे वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना। अभी एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखो क्वेश्चन आपके पूरे थ्योरिटिकल होंगे, लेकिन उनको सॉल्व करने का एक पैटर्न होगा। कैसे पैटर्न होगा, तो देखो कुछ स्टेप्स आप यहाँ पे याद रख लो। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले काम आप वहां पे क्या करना है, डायग्राम बना लो, है ना। ये स्टेप्स आप यहाँ पे याद रख लो ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ होगी कि हम वहां पे डायग्राम बना लेते हैं। फिर सेकंड चीज वहां पे हमारी ये होगी कि हमें गिवन क्या है, डेरिवेटिव्स वहां पे आपको कुछ गिवन होंगे, डी वाई बाय डी टी गिवन होगा, डी एक्स अपॉन डी टी होगा, डी ए अपॉन डी टी होगा। तो आपको यहाँ पे पता लगा लेना है कि डेरिवेटिव में आपके गिवन क्या चीज है, और आपको ये इसी तरह की फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी।
करोगे और आपको वहां पे फाइंड क्या करना है, ये आप इस तरह से लिख देना। जैसे कोई गिवन मुझे डीवी अपॉन डीटी गिवन है और मुझे डीएक्स अपॉन डीटी निकालना, इस तरीके से ना, क्या दिया है क्या गिवन है वो आप वहां पे ढूंढ लेना, डायग्राम बना लेना, फिर ये आपको ढूंढ लेना। फिर थर्ड चीज आप वहां पे देखना कि आपका वहां पे फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है। मेनली क्वेश्चंस जब आएंगे, अभी आप एग्जांपल कराऊंगे उसमें देखोगे तो वॉल्यूम का होगा, एरिया का होगा, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज वहां पे होंगे, तो वो फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। लाइक कि जैसे यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो अगर कोई भी एक जैसे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप यहाँ पे जो भी आप इसके अकॉर्डिंग जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, ये हमें फाइंड करना ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करके और आप इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, फाइंड कर दोगे, है ना, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू फाइंड कर देंगे। और लास्ट में अगर आपको कोई कांस्टेंट पुट करने के लिए कहा है तो वो हम यहाँ पे कांस्टेंट को लास्ट में पुट करेंगे ना। ये आपका यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चंस को करने का। डायग्राम बनाओगे, गिवन क्या है, फाइंड क्या है वो निकालोगे, जो फॉर्मूला आपको वहां पे चाहिए वो लिखोगे, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे और लास्ट में कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे। ये बस दिमाग में एक कुछ स्टेप्स यहाँ पे बिठा लो ताकि आप क्वेश्चन का प्रोसीजर समझ जाओ कि ये सारे क्वेश्चंस को करने का क्या है यहाँ पे प्रोसीजर, है ना। और कभी कभी आपका यहाँ पे डीवाई बाय डीएक्स क्या होगा, क्वेश्चन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया होगा तो चेन मैथड से कोई एक्स जो होगा वो भी टी पर डिपेंड होगा, वाई भी टी पर डिपेंड होगा, तो चेन रूल से हमें इसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, तो आप यहाँ पे देखो हमारा डीवाई अपॉन डीएक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी टी पर डिपेंड है, ये भी टी पे, तो डीवाई अपॉन डीटी निकालेंगे, फिर आप यहाँ पे डीएक्स अपॉन डीटी निकालेंगे और इस तरह से आपकी यहाँ पे डीवाई अपॉन डीएक्स आएगा। तो ये हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये सब चीज आप पुराने चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हो, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये देखना है, ये देखना है और ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस वेयर आर इक्वल टू 5। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, चेंज किन दो यूनिट चाहिए चेंज करने के लिए, भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल है और विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमें डायग्राम बनाना होता है ना, हमें क्या बनाना होता है, डायग्राम। तो बहुत सिंपल है, एक सर्कल हमें यहाँ बनाना है, ये सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया और ये सर्कल की क्या क्या होती है, इसकी रेडियस होती है और हमें क्या यहाँ पे एरिया, तो एरिया हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है, इस सर्कल का एरिया यहाँ पे ए है, तो डायग्राम तो हमारा बन गया, बहुत सिंपल था। कहीं कहीं पे टफ आएगा, जहां आपके डायग्राम हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ईजी है। फिर सेकेंड आपका पॉइंट यहाँ पे क्या था, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है वो देखना है। तो इसमें डेरिवेटिव के फॉर्म में गिवन तो कुछ भी नहीं, आपको क्या कहा, आप सिर्फ यहां पे फाइंड करके बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सर्कल चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में पर सेकंड, है ना। तो हमें तो सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई एरिया चेंज हो रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका यहाँ पे क्या होगा, एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, भाई एरिया के, एरिया में क्या चेंज होगा रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो हमने यहाँ पे लिया। आपको समझ में आ गया कि आप रेडियस के रेस्पेक्ट में, मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये हमने देख लिया। अब थर्ड आपका यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे किसका लगेगा, भाई एरिया का, किसके, ए के रेस्पेक्ट में, इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किसको करना है, एरिया को ना। तो ए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ए के ए तो नहीं रखेंगे, ए की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। अब चौथा आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और पांचवा लास्ट में आपको ये कांस्टेंट दिया हुआ है इसकी वैल्यू पुट करनी है ना, ये चीजें दिमाग में रखो। तो हमारा फर्स्ट हो गया डायग्राम, डेरिवेटिव हमें ये फाइंड करना है, ये हमने ढूंढ लिया, फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, है ना। अभी यहाँ ईजी मिल गया, आगे क्वेश्चन में इतना ईजी नहीं मिलेगा कि आपको डी ए बाई डी आर यहाँ पे मिल ही जाएगा, तो क्या क्या निकालना है वो आपको मिल जाएगा, वहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो करो डिफरेंशिएट, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई को आगे ले लेते हैं और ये आपका डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर हो गया। तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, तो ये पाई हो गया, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाएगी, है ना। तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आगे कुछ नहीं आएगा, तो ये आपका कितना आ गया, 2πr आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो dA अपॉन dr आपका यहाँ पर कितना आ गया, 2πr आ गया। अब इसने कहा कि r इक्वल टू 5 पे आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, है ना। अब यहाँ पे यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट के क्या, पर सेकंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया था ना, तो और एरिया में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, रेडियस में कुछ दिया हुआ था, सेंटीमीटर मीटर,
तो हमें ये सेंटीमीटर दिया होता है ना, तो एरिया के फॉर्म, एरिया को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस क्या होगी, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। भाई अभी एक घंटा हो रहा है, फिर दूसरे घंटे में रेडियस चेंज होगा, तीसरे घंटे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तभी तो आपकी रेडियस बढ़ेगी, तो इसमें यहाँ पे सेकेंड भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहा कि आर इक्वल टू फाइव पे फाइंड करो, तो डी ए अपॉन डी आर, इस तरह से हम स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं और आर इक्वल टू फाइव पे हमें देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई एज इट इज, आर की जगह फाइव रख दो, तो ये कितना हो गया, टेन पाई, और ये एरिया है इसलिए यहाँ पे लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, द एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ टेन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो हमने क्या किया, ये पांच स्टेप से हमारा इजी हो गया कि क्या क्या हमें करना है, वो उस क्वेश्चन में आपको पता चल गया। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको क्या कहा है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्या हो रहा है, एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको यहां पे क्या कह रहा है कि जैसे मैंने सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो इस डायग्राम में ये क्या है, आपका क्यूब है, तो मैंने क्यूब बना दिया और मुझे पता है क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो एल बी एच तीनों को मैंने यहां पे एच ले लिया। अब इसने कहा कि ये जो क्यूब है, आप जैसे जैसे यहाँ पे टाइम पास होगा, तो टाइम के पास होने के साथ साथ इस वॉल्यूम का जो, इस क्यूब का जो है वो वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, इसकी साइड बढ़ेगी तभी यहाँ पे इंक्रीज होगा ना। तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसने हमें ये नहीं कहा कि एक्स के बढ़ने से इंक्रीज हो रहा है, इसने कहा कि जैसे जैसे आपका टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ेगा। How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? तो अब ये कह रहा है कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि ये जो क्यूब है ये धीरे 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 क्या होगा, अभी इतना 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 बढ़ रहा होगा, तो बढ़ रहा होगा तभी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इतना बड़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसने कहा कि भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें ये बताओ कि इसका सरफेस एरिया भी कितना बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो हमें यहां निकालना है कि सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा व्हेन द लेंथ, उस कंडीशन पे, क्योंकि क्यूब की साइड बढ़ने पर ही वॉल्यूम भी बढ़ता है और सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि नहीं, मुझे वो पॉइंट बताओ कि जब इसकी जो साइड है, कोई भी एक साइड है, उसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तब सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ है। तो हमने इसकी साइड को क्या लिया, x इक्वल टू हमने 10 लिया। तो ये कह रहा है कि जब इस वाले x इक्वल टू 10 पर इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा ये हमें फाइंड करके बताओ। तो देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, आप यहां पे समझ गए हो कि टाइम बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन सरफेस एरिया किसके बढ़ने पर बढ़ेगा ये हमें नहीं दिया हुआ है, टाइम के बढ़ने पर या फिर आपके एच इसकी साइड के बढ़ने पर, है ना। तो हमेशा जब भी कोई आप यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, कोई भी यहाँ पे चीज में अगर डिफरेंस आएगा तो जो इसके लिए आ रहा है वही इसके लिए आएगा। तो इसके लिए भी जब टाइम बढ़ेगा तभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ ही आपका यहाँ पे क्या बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको वो समझाया जब हमें डेरिवेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, डायग्राम, जो कि हम यहाँ पे बना चुके हैं। फिर सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पर होता है डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव में हम क्या लिखते हैं, जो गिवन है और जो फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाली लाइन में हमें गिवन है और सेकेंड वाली लाइन में हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, टाइम बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डीवी अपॉन डीटी जो है वो कितना दिया हुआ है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको यहां दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ ही सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, तो हमें डीएस अपॉन यहां पर डीटी जो है वो यहां पे हमें फाइंड करना है। और कहां पर, जब इसकी एच कितनी हो, एक्स इक्वल टू 10 हो, ये हमें यहाँ पे फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड चीज क्या होती है हमारी, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किसका लिखोगे, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें पता है, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, साइड क्यूब यानी कि एक्स क्यूब हो गया, और सरफेस एरिया यानी कितना होता है, इसकी कितनी साइड होती है, 6 होती है ना, तो 6 साइड स्क्वायर यानी 6 एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हम इसको फाइंड करना है तो हम यही लेकर के चलेंगे। ठीक है,
चलो तो ds अपॉन dt हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे करते हैं ds अपॉन dt से काम शुरू करते हैं। एक सेकेंड, पेन कहाँ गया? ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना, भाई जो हमें वैल्यू चाहिए वो निकाले, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को पुट करते हैं। बस ये पॉइंट डिफरेंशिएशन, हमें ये निकालना है तो हम वैल्यू रखते हैं। तो s इक्वल टू आपका कितना है, 6x² है, तो इसको करो फिर डिफरेंशिएट, हमें ds अपॉन dt निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, आप यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये कितना हो गया, ds अपॉन dt इक्वल टू 6 बाहर आ गया और d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बट x का कर रहे हैं ना, तो एक बार तो पावर का हो जाएगा, तो ds अपॉन dt, तो ये आपका 6 पहले से और इसका कितना 2, 2 बाहर आ गया और एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ t है यहाँ x है, तो एक dt dx बाय यहाँ पे क्या आएगा आपका dt आएगा। आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, ये टी है और यहाँ टी होता तो नहीं आता, बट यहाँ एक्स है तो यहाँ, जैसे यहाँ वाई था तो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आता था लास्ट टाइम, तो सेम यहाँ पे हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा है। सेम होंगे तो नहीं आएगा, और टी से हटकर होंगे तो आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व करके देखा तो ये मेरा डी एस अपॉन डी टी कितना आ रहा है, 12x dx अपॉन मेरा डी टी आ रहा है। तो मेरा तो सॉल्यूशन पूरा आ ही नहीं रहा, क्योंकि अगर सोल्यूशन है तो मेरा ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हम कहाँ से लेकर के आएंगे, तो यहाँ देखो ये जो गिवन है ना, ये हमें फालतू में नहीं दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो हमें डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इधर डी वी अपॉन डी टी आएगा, तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमें गिवन है कितनी, 9 cm², ये जो वैल्यू हमें गिवन है हम इसी की हेल्प लेकर के यहां से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू लेकर आएंगे। कैसे, तो यहां पे देखो, नाउ वी इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करो, जो हमें गिवन है उसको, उसकी हेल्प ले रहे हैं हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो गया, डी वी अपॉन डी टी, इधर भी लगा दो, डी वी अपॉन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी और एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू पहले एक्स पावर का होगा तो 3x², यहाँ टी है यहाँ एक्स है, तो ये क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी हमें वैल्यू हमें चाहिए, तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये हमें दी हुई है 9, तो ये आपका 9 हो गया इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3x² डी एक्स अपॉन डी टी, हमें डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए, तो 9 upon 3x² इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। तो ये 3 से ये आपका 9 कैंसिल हो गया 3, तो 3 upon x² वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू उठा करके, ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे पुट कर दो और ये हमारा सोल्यूशन हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, तो डी एस अपॉन डी टी कितना हो गया, 12x तो हमारे पास पहले से है, और ये 3 upon x² हमने यहाँ पे रखा, तो ये 3 upon x² हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहां से कितना आ गया, ये 12 3 36, एक्स एक कैंसिल हो गया, एक्स हो गया, तो डी एस अपॉन डी टी आपका यहाँ पे ये गया। बट डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू हमें कहाँ चाहिए, एक्स इक्वल टू 12 पे, तो लास्ट पॉइंट था हमारा कांस्टेंट पुट करने का, है ना। तो ये अब आप यहाँ पे लिखोगे डी एस अपॉन डी टी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 10, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये 36 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया, 36 upon 10 यानी 3.6। अब आगे यूनिट क्या लगाओगे, तो एस क्या है आपका, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर हमें दिया हुआ था ना, ये आपको ये क्यूबिक सेंटीमीटर था ना, सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो यहाँ देखो दो चीज थी, ये तो बहुत सिंपल है, अभी आपके आगे के 6 क्वेश्चन तो पूरे सर्कल पे ही बेस्ड आएंगे, बट इसमें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, या लेंथ बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ रहा था, या टाइम के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो टाइम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो हमने यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी लिखा, और अगर आपको यहाँ पे ये आपको इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे जो आ रहा होगा ना सेम वो का वो यहाँ पे होगा, यहाँ x होगा तो यहाँ भी x होगा, यहाँ t होगा तो यहाँ भी t होगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक और चीज जो आपको यहाँ पे समझानी थी कि जो हम आगे वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे बट अभी कहीं कहीं पे काम आएगा तो बता देते। देखो अगर किसी के अंदर जैसे रेडियस और एरिया है ना, तो अगर एक्स बढ़ रहा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बढ़ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो dy अपॉन dx यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इस तरह से, इस तरह की कंडीशन अगर आ रही है
तो डी वाई बाय डी एक्स जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, है ना। ये दोनों बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, एक बढ़ रहा है एक, इसका दम ज्यादा है क्योंकि ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, इसका दम ज्यादा है तो ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो ये हमारा 6.1 का यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हो गया। बस ये पांच चीज आप यहाँ पे याद रख लो, इसके इसको यूज करते हुए हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में तो सिर्फ एक ही चीज थी कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा या एक के बढ़ने से दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो एक का चीज हमें दी होगी और हमें दूसरे की वहां पर कितना उसमें चेंज हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू।